हेलो जी, कैसे सर? अगर आप भी एक सबसे अच्छा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है एफआई मनी है, जिसमें कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, साथ में आपका अकाउंट जो है लाइफ टाइम फ्री होगा। और जैसे ही यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, मेरे लिंक से यहाँ पे रेफरल को डाल करके आपको 150 का कैशबैक भी दिया जाएगा, उसके बाद से और भी बेनिफिट आपको साथ में दिया जाएगा। तो सबसे पहले एफआई मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करके जैसे ओपन करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं, बताया जा रहा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कुछ मिनट में ओपन कर सकते हैं, जो कि फेडरल बैंक की तरफ से ओपन होता है। गूगल पे फोन पे में आप जैसे लिंक करेंगे तो फेडरल बैंक डालना पड़ेगा आपको। यहां पे साइन अप के ऑप्शन पे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पे एक मोबाइल फोन का नंबर को डालेंगे और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देंगे। तो जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पे ईमेल आईडी को डालेंगे आपके फोन में, जो जितना भी ईमेल होगा, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेफरल कोड को डालना पड़ेगा, तो जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रेफरल कोड जैसे डालेंगे मेरा और अपने अकाउंट में 3000 रुपये आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 150 का कैशबैक दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा ऐड करेंगे तो आप किसी को ट्रांसफर उसी टाइम कर सकते हैं, अपना अकाउंट को जीरो बैलेंस कर लेंगे, सिर्फ ऐड करने के लिए आपको 150 का कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड को डालेंगे, रेफरल कोड को डालने के बाद से यहाँ पे आपको, अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे आई डोंट हैव रेफरल कोड भी डाल सकते हैं, बट आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे टर्म कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे नीचे नेक्स्ट कर देंगे, जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर को आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और दोनों पे टिक करेंगे और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पे वेरीफाई क्रेडिट रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिपोर्ट वेरीफाई किया जा रहा है, आपका डिटेल्स जो भी डाले हैं उसी हिसाब से आपसे क्रेडिट स्कोर यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करना, आपको अदर सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका अदर का ऑप्शन नीचे देखने को मिला होगा, अदर्स के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे और सैलरी में आप यहाँ पे एनुअल इनकम आप डाल लेंगे। यहाँ पे एनुअल इनकम में आप अप टू 1 लाख तक डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते तो अपना बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं, बट स्टूडेंट डालना आपको यहाँ पे नहीं, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे कर देनी है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर का फुल नेम डालेंगे, मदर का फुल नेम डालेंगे, अगर आप नमनी को ऐड करना चाहते हैं तो नमनी को भी ऐड कर सकते हैं और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नमनी को ऐड नहीं करना चाहते तो नमनी को आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको आधार कार्ड यहाँ पे रखना है केवाईसी के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर को यहाँ पे सही से ऐसे डालेंगे और नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक यहाँ पे कर देनी है। तो जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड के साथ में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देनी है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल चेक यहाँ पे किया जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनल चेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 अंक देखने को मिलेगा, जो भी डिजिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कैमरा में देख करके आपको बोल देनी है। इस सर्कल पे आपको यहाँ पे स्टार्ट वेरीफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 4 डिजिट यहाँ पे आपको अपने जो है बोल देना है और वेरीफाई फेस को कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं यहाँ पे नाम को डाल लेंगे। उसके बाद कार्ड किस जगह पे चाहते हैं उसका एड्रेस भी आप नया डाल सकते हैं, चाहते कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं चाहे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नया एड्रेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एड न्यू एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करके नया एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नया एड्रेस पे ही आपका कार्ड जो डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने नया एड्रेस को यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट को ओपन करने के लिए स्वाइप टू ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक यहाँ पे ऐसे स्वाइप करना है। तो जैसे यहाँ पे स्वाइप करेंगे आपका अकाउंट जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिम को वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका सिम जो फर्स्ट में या सेकेंड नंबर पे है वो सेलेक्ट करेंगे, सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका नंबर को ये जो है वेरीफाई करेगा। तो देख सकते हैं मेरा नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेगा, आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आपका अकाउंट जो थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, आपका अकाउंट जो ओपन हो जाएगा तो फिर से इसमें लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो जैसे लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसमें लॉगिन करेंगे, नेम डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, अपडेट एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके से फिर से अपने नंबर पे यहाँ पे सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई होगा। वेरीफाई के बाद से देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे डेबिट कार्ड का सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं।
उसके बाद से यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एटीएम पिन को सेट करना पड़ेगा। अगर आप पैसा निकालेंगे तो यही पिन को डालेंगे या यूपीआई क्रिएट करेंगे गूगल पे फोन पे में जा करके, तो वो फेडरल बैंक सेलेक्ट करना है तो यहीं पर पिन आपको यही डालना पड़ेगा एटीएम पिन। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट का फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ वीडियो के वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास में पेन कार्ड है तो यहाँ पे आई हैव रेडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद आई हैव राय, अगर आपके पास में वाइट पेपर एंड पेन है उसके बाद से इस पर भी टिक करना है या स्टार्ट वीडियो के वाई सी कॉल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो के वाई सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पेन कार्ड दिखाना पड़ेगा और ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपका फुल के वाई सी सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपने फुल के वाई सी अभी नहीं किया तो आप बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद से अपने अकाउंट के यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, इस एप्लीकेशन से ही मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली बैलेंस यहाँ पे आपको जीरो बताया जा रहा है, यहाँ पे 3000 यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो आपको 150 कैशबैक मिलेगा। उसके बाद से चाहे तो आप 3000 को निकाल भी सकते हो उसी टाइम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं किसी को या ये फेडरल बैंक का जो भी नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को यहाँ से देख सकते हो, उसके बाद अपना सारा अकाउंट को आप यहीं से मैनेज कर। सो इस प्रकार से सबसे अच्छा बैंक फेडरल बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।